ओके फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग. हो गई है सुबह. सुबह तो नहीं, अभी 11 बज रहे हैं. थोड़ी देर में दोपहर हो जाएगी. तो सुबह के वक्त मुझे यहाँ का नज़ारा देखना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. तो ये है आज का सुबह का व्यू. और कॉलेज भी खुली हुई है, तो आई थिंक ये लोग टिफिन कर रहे हैं. और सुबह सुबह आप लोग से आके छत पे बात करते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. और बाल भींगे हुए थे तो मेरे सूख गए हैं अभी फ़िलहाल मेरे बाल. और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अच्छी हो गई हूँ. मेरा फीवर पहले से बहुत ज़्यादा कम है. एटलीस्ट मैं आप लोगों से अच्छे से फ्रीली होकर बात कर पा रही हूँ. नहीं कर पा रही थी तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था. और वैसे भी मेरे फ़ोन का मतलब कि मेरे फ़ोन में थोड़ी प्रॉब्लम थी. मेरा कैमरा भी ख़राब हो गया है तो शूट मेरे से नहीं हो पा रहा था. तो ये बहुत बड़ी मेरे लिए टेंशन की बात थी कि मैं कैसे वीडियो शूट करूँगी और विदाउट कैमरा नहीं हो पाता शूट. और फ़ोन से जो कर रही थी तो उसमें कुछ प्रॉब्लम थी. तो ले देके मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी. और मुझे सच में इन सब के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है. आप मुझसे स्टडी के बारे में कुछ भी पूछ लो, मैं आंसर दे देती हूँ. पर ये टेक्निकल चीज़ों के बारे में मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है. और मैं कभी ऐसे कर भी नहीं पाती हूँ कि कैसे इन सबको हैंडल किया जाता है. मेरी सिस्टर जानती है, पर कुछ टाइम से लोग इतना ज़्यादा बिजी थे कि मैं कुछ भी हैंडल नहीं कर पा रही थी. तो फिलहाल मैं ठीक, मतलब कि मैं ठीक हूँ और घर पे वक्त दे पा रही हूँ. ना ही मुझे नोट्स लिखने हैं, ना ही स्टूडेंट्स का नोट्स लिखना है, ना ही मुझे मेरी बहन का नोट्स लिखना है. और मैं बहुत ज़्यादा फ्री हूँ. और फिर पापा को लेके 13 तारीख को मुझे डॉक्टर के पास जाना है. वो थोड़ी प्रॉब्लम बता रहे हैं तो मुझे थोड़ी टेंशन है, पर कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा. और आप देख सकते हो ये बिग बाज़ार का ये 3rd फ्लोर है. मतलब कि अगर ग्राउंड फ्लोर को काउंट करें तो ये 3rd फ्लोर है जो कि अभी हो रहा है. वैसे ये 2nd फ्लोर है. तो ऑलमोस्ट ये बोल रहे हैं कि 6 महीने में ये कंप्लीट हो जाएगी. तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि कब ये बिग बाज़ार पूरी तरह से खुलेगा और मैं जाके यहाँ शॉपिंग कर पाऊँगी. एटलीस्ट मैं सब्ज़ी ले पाऊँगी, क्योंकि मतलब कि रांची में मैं जब गई थी बिग बाज़ार में तो वहाँ पे सब्ज़ी, मटन, चिकन सब कुछ अवेलेबल था. और आप खुद से ले सकते हो वजन करके, जैसे भी जितना भी लेना हो. या कलकत्ता में भी जो है वहाँ पे भी, मेरे यहाँ कल्याणी में भी है. और जैसे कि मैंने आपको बताया है वो झाड़ियों के उस पर कल्याणी पड़ता है, वो झाड़ियों के उस पर कल्याणी है. तो वो नदिया डिस्ट्रिक्ट में पड़ जाता है और ये 24 परगनास में. तो उस साइड जो हुआ था, आप लोगों ने शायद बुक में पढ़ा होगा, पलासी का युद्ध आप लोगों ने पढ़ा होगा हिस्ट्री इतिहास में. तो वो पलासी उस साइड पड़ता है. और कल मैंने आपको ब्लॉग में दिखाया था मंगल पांडे वाला पोर्शन. मतलब कि मंगल पांडे जहाँ पे, मतलब कि उनको जहाँ पे फांसी दी गई थी, तो वो वही एरिया था. और कभी मैं जाऊँगी रिवर साइड में तो जिस पेड़ पे उनको मतलब कि जैसे फांसी दी गई थी, तो वो पूरा प्रॉपर एरिया मैं आपको कभी आपको जाऊँगी तो मैं ज़रूर दिखाऊँगी. तो वैसे तो पूरा बंगाल ही हिस्टोरिकल प्लेस है. कुछ ना कुछ ऐतिहासिक घटनाएं यहाँ पे हैं, लाइक इमामबाड़ा. तो मतलब कि 1500-1600 के टाइम से वहाँ पे जो बने हुए थे ग्रीक से, वहाँ पे जितने भी सामान जो है, पुराने पॉट्स है, पुराने झूमर लाइट्स है, सब कुछ अभी तक अवेलेबल है. विक्टोरिया है, बहुत कुछ देखने लायक है कलकत्ता में. तो वैसे घूमने जाने का तो टाइम बन नहीं रहा. और मैं हाशखाली बौखखाली भी नहीं जा पा रही हूँ, क्योंकि जैसा कि बाढ़ वार का पोजीशन बना हुआ है तो उस साइड में अभी गवर्नमेंट ने मना किया हुआ है कि टूरिस्ट वहाँ पे ना जा पाए. और मतलब कि हमारा प्लानिंग बन बन के भी वो रुक जा रहा है. तो परमिशन वहाँ से अगर मिल जाए तो फिर हम लोग वहाँ पे घूमने जाएंगे. और मैं आपको बंगाल की खाड़ी दिखाऊंगी. और सुंदरबन भी आप देख सकते हो. और बहुत ज़्यादा मुझे गर्मी लग रही है तो मुझे लगता है कि मुझे नीचे जाना चाहिए. और वैसे मेरा ये है आज का लुक, तो मैं आपको घर जाकर फिर आराम से दिखाती हूँ. और मुझे दिखाने हैं मैंने जो भी शॉपिंग करा है दुर्गा पूजा के लिए. वो फिलहाल तो मेरी शॉपिंग जारी है, क्योंकि आप लोगों को तो पता है कि लड़कियों की शॉपिंग वैसे कभी ख़त्म नहीं होती. मेरी भी ख़त्म नहीं हो रही है. तो मेरा मेकअप अभी तक नहीं हुआ है, ना ही ज्वेलरी हुई है. बस मैंने जो साड़ियाँ ली है या जो मैंने लिया है, जो कुछ भी लिया मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी. तो चलिए मैं घर जाती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या शॉपिंग करा है. आ रही हूँ नीचे घर की तरफ. और फिलहाल एक अंकल जी मेरे घर पे आए हुए हैं, तो थोड़ा हाय बोल दीजिए अंकल. हाय, हेलो, हाय. और मेरी सिस्टर बैठी हुई है. तो अब मैं जा रही हूँ घर पर. मैं दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या शॉपिंग करा था.
तो ये लोग हंस रहे हैं मेरे ऊपर कि मैं सारा दिन यही करती हूँ। और इस साइड पर जो बैग्स हैं ना, तो आप लोग देख सकते हो ये सारे मेडिसिन हैं। तो मैं आपको एक आध दिखा भी देती हूँ, तो इसको मैं नहीं यहाँ से दूर कर पाती। तो इन सब में ना इस टाइप की सिर्फ मेडिसिन है जो कि सिर्फ पापा के लिए है, तो वो यूज़ होता है, तो कहीं और मुझे अच्छा नहीं लगता। और इससे मैं इसको यहाँ पे रखती हूँ, तो एक सेपरेट है। इन सब में हर तरह की मेडिसिन है, लाइक पापा को ब्रेन स्ट्रोक हो चुका है, पापा को हार्ट अटैक हो चुका है, पापा को यूरिन में प्रॉब्लम है, पापा की कमर की हड्डी टूटी हुई है, तो बहुत कुछ पापा को प्रॉब्लम है। तो इसकी वजह से यह सारे मेडिसिन मैं अलग अलग रैक में इस तरह से रख देती हूँ। वैसे मैं यहाँ पे ऐसे इसको रखती थी पर बहुत ज़्यादा गंदा लगता था। और तो चलिए मैं घर दिखाती हूँ, तो वैसे तो कुछ है नहीं मेरे घर में, मतलब कुछ खास तो है नहीं, तो चलिए जो भी है दिखाती हूँ। तो ये ऐसे एक छोटा सा टेबल है, टी टेबल टाइप का, सेंटर टेबल टाइप का, और ये है वो सेम, तो कुछ मैसेज दिया हुआ ये। तो ये ऐसे रखती है जबकि मोबाइल वाले चार्ज देना होता है या कुछ भी। और ये हमारे श्री प्रेम रावत जी हैं, तो उनका एक स्टेज है, ओवरऑल ये स्टेज है, और ऊपर ये शो पीसेस है। और ऐसे ये थोड़े कपड़े हैं तो जो अभी छत से धुल के आए हैं, तो मैं इसको सजा के रखती हूँ, तो इसको मैं उस वाले कमरे में शिफ्ट कर दूँगी। और सारी बुक्स जो है ना वो ऐसे ही पड़ी हुई है। और ये कुछ टॉयज है, और ये है ओवरऑल मेरा बेड, और ये है मेरा बेडरूम। तो ए सी चल रहा था इसलिए खिड़की लॉक है, तो नॉर्मली यही है मेरा छोटा सा एक बेडरूम, और एक चेयर यहाँ पे, और इसके साथ भी एक चेयर है। तो हमेशा नहीं, तो जब रेडी होना होता है, कुछ करना पड़ता है, तो हम लोग इसको ऐसे मतलब कि यूज़ करते हैं। और ये जो है वो टीवी का वो, तो इसको कुछ दिन में ये हट जाएगा यहाँ से, इस वजह से गेट पूरी तरह लॉक भी नहीं हो पाता है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या शॉपिंग करा है। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या शॉपिंग करा है, कुछ भी। तो ये एक ब्लाउज का पीस है, पिंक कलर की है, तो मुझे इसे अभी स्टिच करवाना है, सिलवाना है, तो मैं इसे सिलवा नहीं पाई हूँ क्योंकि मुझे वक्त ही नहीं मिल रहा है। घर में कुछ इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही है जिसकी वजह से मैं बिजी हूँ, तो इसको मुझे सिलवाना है। और मैंने दो नाइटी लाई हुई थी, तो एक मम्मी ने पहन लिया और एक नाइटी है। तो अभी ठंडी का मौसम आ रहा है, तो ये इस टाइप का इस बार मैं ये हाथ वाली नाइटी ली हूँ, फुल हैंड, मतलब कि जितना हैंड होना चाहिए वो है। तो ये एक नाइटी मैंने लिया हुआ है, तो सिंपल घर का है। और अब मैं दिखाती हूँ कि पूजा में मैंने क्या लिया है। तो मैंने लिया हुआ है ये एक गाउन फ्रॉक, आप लोग देख सकते हो। तो ये पूरा स्टोन का वर्क है इसमें, और ये नेवी ब्लू कलर की है, पूरी लॉन्ग है, तो ये गाउन फ्रॉक है। तो ये एक लिया हुआ है मैंने, और मैंने ली एक मरून कलर की भी फ्रॉक, भी मैं आपको दिखाती हूँ। और मैंने लिया हुआ है वन ऑफ माय फेवरेट, ये एक मरून कलर की फ्रॉक, ये भी पूरी लॉन्ग है, और ये भी गाउन फ्रॉक है। तो ये एक मैंने लिया हुआ है, तो ये जब मैं दिल्ली जाऊंगी तब इसको मैं पहनूंगी, वैसे दुर्गा पूजा के टाइम पे भी मैं पहनूंगी इसे। और ये एक बंगाली स्पेशल मैंने मरून कलर की गीजा साड़ी ली हुई है, तो वेस्ट बंगाल में तो इस टाइप का साड़ी बहुत फेमस होता है, तो थोड़ा ऑथेंटिक लुक है ये। तो ये एक गीजा साड़ी है, और कुछ साड़ियाँ हैं तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो और मैं दिखाती हूँ आपको मैंने क्या लिया हुआ है। तो ये एक और पिंक कलर की गाउन फ्रॉक है, तो ये भी बहुत ज़्यादा लंबी है और बहुत डिज़ाइनर है, और सामने ये कॉलर टाइप का। तो मैंने ये एक गाउन फ्रॉक लिया हुआ है मेरी सिस्टर के लिए। और तो ऐसे बैग्स तो अवेलेबल रहते हैं, आप कहीं से भी शॉपिंग करो तो इस टाइप की या बड़ी वाली बैग देते हैं। और मैंने फिर एक और मैंने बाहा साड़ी ली है, तो इसका ब्लाउज, इसकी जो ब्लाउज़ है मैंने ऑलमोस्ट स्टिच करा ली है, तो ये ब्लाउज़ है। और ये है
ये है वो साड़ी, तो इसका अंदर जो है वो रेड पोर्शन में है, मरून पोर्शन में, और ये जो आंचल है वो ग्रीन में है। तो ये थोड़ा बंगाली लुक्स में आ जाता है, बंगाली स्टाइल का है, तो ये अच्छा लगता है। फिर भी कुछ थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। तो फिलहाल मेरी और भी शॉपिंग जो है वो बाकी है, तो अभी बस हल्का फुल्का ही करा है मैंने, तो अभी और कुछ साड़ियाँ लूँगी मम्मी की, सिस्टर की और मेरी, और एक दो लोगों को गिफ्ट भी करना पड़ता है, मतलब कि जिनसे हमारा मतलब कि जैसे कि वेस्ट बंगाल भी एक दूसरे को पूजा फेस्टिवल पे कपड़े देते हैं स्वीट्स के साथ, तो ऐसा कुछ चलता है। दीपावली तो अलग है, इसमें भी देना पड़ता है, तो सोनू की फैमिली को देते हैं हम लोग गिफ्ट्स, तो उनके लिए कुछ शॉपिंग करनी बाकी है। और फिलहाल घर पर कोई नहीं है तो मैं थोड़ा रेस्ट कर रही हूँ, बस सिस्टर है तो वो उधर पे चावल बना रही है, तो थोड़ा रेस्ट कर लूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि लंच में क्या बना है। चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर के बाद। तो फिलहाल ये है मेरे लंच की थाली, और अंकल जी लंच के लिए बैठे हुए हैं, घर पर मम्मी बैठी हुई है और पापा यहाँ पे है, तो मैं पापा का लंच वहाँ लेके जाऊँगी, क्योंकि पापा टेबल पे नहीं बैठ पाते हैं, तो जैसा कि आप लोगों को पता है पापा यहाँ बैठते हैं। तो ये रहा पापा, रही पापा की लंच की थाली, और इधर पे अंकल जी अब खाइए, आप बैठे हुए थे। और फिलहाल सारा जो लंच है वो ऐसे निकला हुआ है, तो फिलहाल सर्व करना पड़ रहा है, और ये रही स्वीट्स, और इधर पे ये रही दाल। तो मैंने आज जीरा वाली दाल बनाई हुई थी, और मम्मी ये वाली एक नाइटी है जो मम्मी ने आज पहनी हुई है। मम्मी तो क्या हुआ था, ये नाइटी है, तो ये मैंने जिसे बताया था कि अभी ठंडी का मौसम आ रहा है, तो ये मैंने स्लीपलेस वाला नहीं लिया, तो ये ऐसे वाला नाइटी मैंने लिया हुआ है। तो ये प्योर कॉटन की होती है और बहुत कंफर्टेबल होती है, आप इसे गर्मी में पहनो या ठंडे में। हाँ हाँ, यूट्यूब में जाता है ना, डेली का ब्लॉग आता है, और ये हूँ मैं, तो फिलहाल मैं ही शूट करी थी, तो मैंने उसको बैक कैमरा कर दिया था। उधर पे मम्मी है, पापा है, अंकल जी है, और हम लोग घर पे ले डाल रहे हैं, और लंच भी हो रही है, बस अंकल जी लोग के लंच करने के बाद मैं लंच करूँगी। और यह है मेरे पापा का स्टाइल खाने का, इधर पे मम्मी है, अब मेरी मम्मी मुझसे प्यार करना कम कर दिए। रीजन क्या है, रीजन बताओ। रीजन इस बार शॉपिंग ज़्यादा नहीं हो रहा है, इसलिए इस बार ज़्यादा शॉपिंग नहीं कर पा रहे हैं। और इधर पे है मैं, नहीं हुआ है ये सूखा नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, जब तक ये तार हट नहीं रहा है ना, तो कभी इसको हम लोग ऐसे कपड़े डालने का यूज़ कर लेते हैं। तो एक्चुअली ये जो वायर है, तो ये टीवी वाली वायर है, तो एक्चुअली ये उस डोर से आके लगेगी, तो जो फ्लैट के जो इलेक्ट्रिक वाले हैं वो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर है, तो वो टाइम नहीं दे रहे हैं इसको करने के लिए, क्योंकि उस साइड में और एक जो फ्लैट बन रहा है उसमें इलेक्ट्रिक का काम कर रहे हैं, तो ये बस जैसे ही काम होता है यहाँ का कंप्लीट, तो ये भी यहाँ से हट जाएगा। फिलहाल ऐसे कपड़े फेंके हुए हैं छत से आए हुए हैं, तो इस तरह से रखे हुए हैं। फिलहाल मैं आप लोगों से कपड़े लड़ा रही हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी, तो मुझे सेटिंग होने लगी, क्योंकि एसी जो है वो बंद हो चुका है, और मैं एक घंटा सो चुकी थी, तो सो के उठी हूँ, तो फिर मैं चली हूँ लंच करके। और अभी तक 3:00 और अभी तक हम लोगों ने लंच नहीं करा, 3 से ज़्यादा हो रहे हैं। तो अंकल जी कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ, सपनों का साकार होना ही जीवन का एक मकसद भी है, जिसको हम लोग एक कल्पना के आधार में रखते हैं जी, मगर जब वह समय के साथ पूरा होता है तो सचमुच में बहुत। तो आप और कुछ मैसेज देना चाहते हैं प्रेमियों के लिए? हाँ, तो इसके लिए हम प्रेमियों से भी कहेंगे कि ये ज़्यादा सुनना चाहते हैं, तो इसमें ये भी है कि जीवन को कभी भी नज़दीकी से मत देखिए, इसको बहुत ही गहराई से देखिए, इसको जो हमारे अंदर जो गहराई है उसको हम अंतरतम में पहुँचें, और जब हमें जीवन में वहाँ तक पहुँच जाने का जो सौभाग्य मिले तो हम उसका पूरा पूरा आनंद लें। बिल्कुल, ये जीवन में बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी जो है सपनों को छोटा मत देखें, बड़ा देखें, क्योंकि सपने सपने होते हैं, लेकिन सपनों को साकार करने में जो आप परिश्रम करके वहाँ तक पहुँचते हैं, उसमें जो आनंद मिलता है वो बहुत ही जीवन में वो भी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी बहुत जरूरी।
तो अंकल जी एक मैसेज देना चाह रहे थे कि वो बहुत ज़्यादा खुश है और वो जो फील करते हैं पीस के बारे में, तो शांति के बारे में, तो वो मैसेज देना चाह रहे थे और उन्होंने दिया। और ये भी श्री प्रेम रावत जी से जुड़े हुए हैं, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कैलेंडर भी श्री प्रेम रावत जी का है। और ये शायद टोक्यो जापान का एक किसी इवेंट में, मतलब कि पिक है ये क्यो हाई स्कूल कार्यक्रम से पहले, मतलब कि एक क्यो हाई स्कूल है जापान में, वहाँ पे इनका प्रोग्राम हुआ था। ये अक्टूबर का लास्ट ईयर का है, तो उस टाइम का ये। और ये वो कैलेंडर तो डेट देखते हैं फिलहाल। और मेरे पूरे घर में आप श्री प्रेम रावत जी को पाएंगे। तो फिलहाल ये है हमारे लंच की थाली, ये है मेरे सिस्टर की लंच की थाली, और ये है, मैंने एक ही में सब कुछ ले लिया है, तो ये है मेरा लंच। और इधर पे फिलहाल मम्मी लंच कर रही है, मुझे भी बहुत जोर हो भूख लगी है, तुम पानी ला के देना मुझको। तो अब मैं जाऊंगी और आई विल शो यू। तो मैं खा रही हूँ मेरा खाना, क्योंकि बहुत जोरों की भूख लगी है। ठीक है। और ये है सलाद। तो चलिए मैं मेरे लंच को एंजॉय करती हूँ, और आप लोग भी अपने लंच को एंजॉय कीजिए। और कैमरा फिर से ख़राब हो रहा है, फिर कोई बात नहीं। और सुबह शाम का चाय नाश्ता कर रहे हैं, तो समोसे के साथ चाय, और प्रेम रावत जी का मैसेज भी चल रहा है। अब मेरा क्या होगा, इधर पे मम्मी बैठी हैं। अब मेरे बिजनेस का क्या होगा, अब मेरी बीवी का क्या होगा, अब मेरे बच्चों का क्या होगा, क्या होगा मतलब संशय 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 संशय। मेरा कार्ड दे दी, वहाँ पे बिल होगा, वहाँ पे जाकर करवा दो। तो कल सिस्टर की सरप्राइज बर्थडे पार्टी है, तो हम लोग केक कर रहे हैं, और हम लोगों ने प्लान किया हुआ है, सिस्टर को बताया, बस बिल करवा रही हूँ। और बस हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं कि क्या क्या लेना है, तो कैंडल और बलून हम लोगों ने ले लिया है, बस केक सुबह को आ जाऊँगी, बस वरना सिस्टर को पता चल जाएगा। और उसके लिए सरप्राइज पार्टी, उसको पता नहीं है कि हम लोग पार्टी प्लान कर रहे हैं, अब तक तो सीक्रेट है, देखते हैं आगे क्या होता है। और एक रेस्टोरेंट है, हो गई है शॉपिंग, ये है बैग में सारा सामान, और जो थोड़ा बैग में रख लिया है, और अब हम लोग लिफ्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। और पता नहीं क्यों फेस और हमें डिफरेंट लग रहा है, साढ़े चार सौ ना, मतलब कि इसमें हम काउंट कर रहे हैं 430 रुपीज़ का जो प्लेट्स है, ग्लासेस है, इन सब में। हाँ कल मटन तो कल फ्रेश आएगा। तो मैं अब लगा रही हूँ, और बजट एक इम्पॉर्टेंट मैटर होता है, बिना आप लोग बजट डिसाइड किए कुछ भी प्लान नहीं कर सकते, और हर एक काम के लिए पैसा भी ज़रूरी होता है। तो आई होप आप लोग भी समझते होंगे, और वैसे भी मार्केट जाओ तो खर्चे तो हो ही जाते, पर नो डाउट एंड नो प्रॉब्लम, ये तो इट्स शेड्यूल और चलता ही रहता है, और कंपलसरी भी है। तो मेरी मम्मी का मूड हो रहा है कि पैसे क्या मॉम इसमें एक और मेरे मुँह में छाले हो गए, तो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है मुझे। और मम्मी इस टाइप की उपाशी करती रहती है, इनको भी घूमना है लिफ्ट में। तो अब मैं आ गई हूँ घर, और थोड़ा रिलैक्स कर रही हूँ, क्योंकि मार्केट गई थी, और मैं जो सीक्रेट बर्थडे का प्लानिंग है वो कर रही थी, तो बहुत सारी शॉपिंग कर ली है मैंने, और बाकी जो कच्चा सामान है खाने पीने का वो कल करूँगी। मैंने केक का भी ऑर्डर दे दिया है, तो चलिए मैं दिखाती हूँ कभी मैं क्या क्या लेके आई हूँ। तो मैं लेके आई हूँ बलून, इसमें बहुत सारा बलून है, कलरफुल बलून, तो कल इसको यूज़ करना है। और ये नॉर्मली ये चना है, तो हम लोग शाम के वक्त खाते हैं, इट्स कंपलसरी मेरे घर पे। और ये है बादाम, तो ये लोकल मतलब कि थोड़ा सूखा कुछ है, तो शाम के वक्त खाना पसंद करते हैं हम लोग।
और मैं दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। तो मैं लेके आई हूँ इस टाइप की ग्लासेस, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा यूनिक लगी और तो ये लेके आई हूँ। और मैं लेके आई हूँ इस टाइप की बड़ी वाली कटोरियाँ, क्योंकि जब गेस्ट बहुत ज़्यादा हों तो फिर नॉर्मली बर्तन ज़्यादातर धोने में, सफाई करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये बहुत ज़रूरी था। तो ये प्लेट्स है, इसमें जो भी सब्जियाँ या नॉनवेज जो भी रहेगा वो इसमें आता है, तो ये एक कंपलसरी था। और ये है छोटे वाले कटोरी, तो ये वाले बड़ी वाली है और ये छोटी वाली है, तो ये दो साइज़ की मैंने ली है। और ये प्लेट्स है, तो ये थर्माकोल्स की प्लेट्स है। एक्चुअली सारा जो प्रोडक्ट है वो थर्माकोल का है, तो बहुत ही हल्का होता है और बहुत यूज़फुल होता है। तो ये दो तीन चीज़ें जो थी मुझे लानी थी। और ये पूरी जो है ये ग्लासेस है इस टाइप की, तो मुझे बहुत यूनिक लगी मार्केट में, थोड़ा कलरफुल था और अच्छा भी था, तो मुझे लगा ये ले लेना चाहिए, तो मैंने इसको भी ले लिया। और मैंने लिया हुआ एक नवरत्न का ऑयल, तो रात को सोते वक्त लगाते हैं कि मतलब कि थोड़ा रिलैक्स फील होता है और सर का दर्द इसे बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, तो ये एक मैंने लिया और कुछ ज़्यादा नहीं। और मम्मी उधर पे गाना गा रही है, तो बस यही जो था हल्का फुल्का सामान जो कंपलसरी था लेना था, तो मैंने ले लिया। और बाकी का सामान ऑलरेडी हम लोग ग्रॉसरी के टाइम पर लेकर आ चुके थे, तो ज़्यादा कुछ लेना था नहीं। और फेस पे मेरे पता नहीं क्यों इतने सारे दोनों से खिला रहे हैं, तो बहुत पेनफुल भी है। और तो मैं अब जाऊँगी, थोड़ा रिलैक्स करूँगी। ये है सारा लगेज, अब इसको मैं जाकर वहाँ पैसे रखूँगी। तो फ़िलहाल मैं मेरे दूसरे वाले कैमरे से शूट कर रही हूँ, और अभी जाके मुझे मेरी सिस्टर का आईब्रो बनाना है, तो कोशिश करूँगी कि मैं आपको दिखा पाऊँ, क्योंकि मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स किया हुआ था तो थोड़ा नॉलेज है मुझे। तो मैं मेरी सिस्टर का और मम्मी का जो थ्रेडिंग, फेशियल, मसाज, जो कुछ भी था मैं खुद कर लेती हूँ। तो बनाओगी तुम? तो मैं जा रही हूँ मेरी सिस्टर का आईब्रो बनाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैं किससे आईब्रो करती हूँ। तो ये है शायद लाइट्स में नज़र नहीं आ रही है लाइट में, तो ये है आईब्रो बनाने का कॉटन, तो मैं इसको पूरा निकाल के दिखाती हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको कैसे होल्ड करते हैं। तो भाड़े ऊपर ही अप्लाई होगा ये, तो ये जो पूरा कॉटन है सूता, तो इसको हम लोग ऐसे लेते हैं मुंह के अंदर, इसको ऐसे पकड़ लिया एक किसी भी दांत के साइड में, उसे हल्का दबा लेना है, और जो इसको ऐसे करके, इसको ऐसे करके पकड़ के दो तीन फोल्ड घुमाना है और ये हो गया। उसके बाद ये ट्राई करेगी मेरे ऊपर, और बस ऐसे ऐसे अप्लाई करना है। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। तो जब मैं ट्राई इसके ऊपर अप्लाई करूँगी तो आप लोग देखना किसे कितना पेन होता है। तो ये मैंने पाउडर लिया हुआ है और मैं दिखाती हूँ इसको ऐसे अप्लाई करना है। नहीं नहीं नहीं, तो शूट हो रहा है, तो बस मैं इसको पकड़ो। तो थोड़ा पेन हो रहा है ऐसे, पर इसी टाइप से मुझे इसको पूरे आईब्रो को करना है। फाइनली सिस्टर का आईब्रो जो है वो कंप्लीट हो चुका है, और अब मैं जाऊंगी थोड़ा हवा के नीचे बैठूंगी। तो चलिए मैं मेरा आज का ये व्लॉग ये एंड करती हूँ, और अगर आप लोगों को मेरा आज का ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए, आप सभी अपना ख्याल रखिए, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखते रहिए और शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, गुड नाइट, टेक केयर, सुड रेन स्टार्ट। तुम भी कुछ बना जाओगी? बाय बाय बाय। और ये प्यारा सा चीकू वाला भी बाय बाय टाटा।